हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब मज़े में होंगे, चंगे होंगे। और हमारे चैनल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वैसा देखने को मिलेगा। ये सारी बातें करने से पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। पहले जो काम हम करने आए हैं, जिसलिए ये वीडियो आपने ओपन किया है थंबनेल से, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए, थंबनेल देख कर इसे ओपन करने के लिए। एंड एक और बात जस्ट बोलूँगी, उसके बाद हम सीधा मूव ऑन करेंगे आज के वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आ जाए, एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आ जाए पूरा देखने के बाद, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आवाज़ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे सॉरी बोल देती हूँ। सो सबसे पहले हम सबसे जो हमारा सबसे सस्ता जो है इस हॉल का कपड़ा तो ये क्रॉप टॉप, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये ब्रांड गॉर्जियस से है, और जैसा कि ये टैंक टॉप आप इसको बोल सकते हैं, क्रॉप टॉप आप इसको कह सकते हैं। सो ये फ्रॉम ब्रांड गॉर्जियस, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है एट ₹299। एंड आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने ये क्यों पहले खरीद लिया, बट या आई नीड इट, मुझे पहनना था। सो बट अभी इसका प्राइस हो रखा है ₹238। तो अगर ख़रीदना चाहते हो, अच्छा लग रहा है, तो जाके फटाफट से ख़रीद लो, बिकॉज मैं बहुत टाइम से इसका प्राइस चेकआउट कर रही थी। हमेशा साले ₹299 ही इसका प्राइस मिलता था हमेशा, कभी भी उन्होंने कम नहीं किया। एंड अभी मैंने जैसे इसको चेकआउट किया, तो इसका प्राइस हो गया है ₹238। तो जिसको भी अच्छा लग रहा है परचेज़ कर लो। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, सेटिन ब्रांड फैब्रिक है। इट्स काइंड ऑफ सेटिन प्लस कॉटन मिक्स, आप इसको कह सकते हो। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ कपड़ा है। और साइज़ के साथ देख लेना, अच्छे से देख के परचेज़ करना, बिकॉज मैंने इसको एक्सचेंज किया है। एल में मंगाया था, एम लिया, फिर एक्सचेंज का ऑफ़र नहीं है, एक्सचेंज का भी इन्होंने कोई दिया नहीं था, वैसे दिया होता है, तो मैंने जुगाड़ तुगाड़ करके एक्सचेंज किया। तो अभी एम साइज़ लिया है, वो भी मुझे काफ़ी लूज़ है। सो प्राइस एक बार अपने हिसाब से देख लेना, उसके बाद ही परचेज़ करना। बाकी ओवरऑल आई जस्ट लव्ड इट, का फैब्रिक अच्छा है, बस मुझे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। क्या कर सकते हैं, आपको अगर लेना हो तो ले लो, काफ़ी टाइम बाद इसका प्राइस इतना लो हुआ होगा। देन नेक्स्ट इसके साथ का ही हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो उसके पहले हम इससे सस्ता वाला जो है वो देख लेते हैं ना। तो इससे ऊंचा है जो है वो है ये मेरा जैकेट। इट्स फॉर सो मैंने थोड़ा दिखाने लायक इसको कर लिया है, ताकि आपको वीडियो में समझ में आ जाए। प्रेस व्रेस नहीं किया, कुछ आयन वायन नहीं किया, थोड़ा सा क्रश्ड हो रखा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना उस चीज़ के साथ यार। ओके, सो ये हमारा जैकेट स्वेट शर्ट पैटर्न में, यहाँ पे इसमें चेन दी हुई है, ये चेन वाला है स्वेट शर्ट मेरा। तो बैक का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इस तरह का थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है बैक में। बाकी आई जस्ट लव दिस स्लीव्स, मुझे इसकी स्लीव्स ये अच्छी लगी। ये दूसरे कौन सा वाला क्लॉथ होता है ये, वाह मुझे याद नहीं आ रहा इस क्लॉथ को क्या बोलते हैं। सो आप देख लेना, ये वाली इस तरह की इसकी स्लीव्स हैं। तो और ये मैंने सेल में लिया था, तो इसका MRP जो है, इट्स फ्रॉम ब्रांड रोडस्टर ब्रांड से। तो रोडस्टर का भाई सबको पता ही होगा कि एक सस्ते में अच्छा माल परचेज़ कर देते हैं ये। तो रोडस्टर में आपको हमेशा प्राइस कम मिलेगी और चीज़ आपको अच्छी मिलेगी रोडस्टर ब्रांड में। तो ऑब्वियसली रोडस्टर का है, तो मिंत्रा से ही लिया है, मिंत्रा में ही सबसे ज़्यादा बिकता है रोडस्टर ब्रांड। रोडस्टर हो गया, ड्रेसबरी हो गया, ये सब मिंत्रा में ज़्यादा बिकते हैं। तो सेल में लिया था, तो इसलिए इसका प्राइस मुझे पड़ा है जस्ट मैचिंग ₹423। आई बॉट इट और एट जस्ट ₹423। इसका MRP है 1299, सेल में लिया था इसलिए इतना कम का पड़ा है। बाकी अभी 560 ये समथिंग इसका प्राइस चल रहा है। सो अगेन सेल में अगर अच्छा लगता है तो परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगी सारी चीज़ों के लिंक दे दूँ। आई डेंट प्रॉमिस बिकॉज काफ़ी पहले दे दूँगी, काफ़ी और सिर्फ प्लाजो का मेरे पास लिंक नहीं होगा, मे भी बाकी सारी चीज़ों का लिंक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको सारी चीज़ों की मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसका ब्रांड हो गया, प्राइस हो गया। क्लॉथ की बात करते हैं, फैब्रिक जैसे कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अच्छा खासा फैब्रिक है। बहुत ज़्यादा ठंडे में तो नहीं काम करेगा, बट सेमी विंटर के लिए इट्स जस्ट गुड, काफ़ी अच्छा है। और वॉश भी हो गया है, तभी भी कोई ख़राब नहीं हुआ है, एक बार ही वॉश हो चुका है। सो अब इससे ऊँची चीज़ की बात कर लेते हैं। तो ये है, सो ये है हमारा प्लाजो। ये प्लाजो भी आई परचेज्ड इट फ्रॉम मिंत्रा। ये प्लाजो भी मैंने मिंत्रा से ही परचेज़ किया है। इसका ब्रांड है बिटल लाइम, और इसका लिंक मेरे पास नहीं है, ये मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे ऑर्डर्स में भी शो नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बिटल लाइम ब्रांड से है, और मैंने इसका देखो इस पर लिखा हुआ XXL। यू थिंक मुझे XXL बनेगा? सीरियसली आई डोंट नो क्यों XXL लिखा है, बिकॉज मैंने तो इसको साइज़ से परचेज़ किया था, 30 और 32 मैंने समथिंग इसके लिए परचेज़ इसका मैंने साइज़ दिया था। तो कमर वमर सब मुझे बढ़िया आया है इसका। ये यहाँ से जो है
इसका जो वट एवर ये जो भी होता है इसका जो फ्लेयर है वो काफ़ी ब्रॉड फ्लेयर मैंने लिया है, तो मैं जब इसको पहनती हूँ तो स्कर्ट टाइप का लुक इसमें दिखता है। वो प्लाजो जो होते हैं ना जो स्कर्ट टाइप का लुक देते हैं वैसे टाइप का लुक इससे मुझे मिलता है। और मैं बाकी बात करें ये कमर की, एक चीज़ मुझे इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बट ठीक है अभी वो हो गई है, मैंने कर लिया उसको सही। यहाँ से इन्होंने यहाँ कमर के लिए यहाँ से मुझे लग रहा था इसमें पूरे में इलास्टिक होगा बट ऐसा नहीं है, यहाँ से कमर पर इन्होंने इलास्टिक दी हुई है। बाकी यहाँ पर आपको एक नाड़ा टाइप का मिल जाता है उसको आपको अपने हिसाब से, ये मैंने इस तरह से इसको नाड़े को लेके आई हूँ और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं तो अच्छा खासा लुक इससे आ जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, बाकी आप अपने टेलर से भी करा सकते हो वो भी बता देंगे आपको। बट आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसमें क्या मिलेगी, इलास्टिक मिलेगी बट ठीक है। बट रेयॉन ब्रांड कपड़ा है और 450 का मैंने इसको लिया है, तो मिडिल प्राइस में, मीडियम प्राइस में अगर आप प्लाजो परचेज करना चाह रहे हो तो बिटल लाइम करके डाल देना, आ जाएगा। मिंत्रा से मैंने परचेज़ किया, लिंक नहीं है मेरे पास तो देख लूँगी अगर मिल जाएगा तो रियोन ब्लेंड करके कपड़ा है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी अच्छा है। बट विंटर में आपको इसके नीचे कुछ लेगी या फिर आप काफ लेंथ कुछ पहन सकते हो बिकॉज ठंड लगेगी। आप देख सकते हो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का लग रहा है, पहनने पे नहीं लगता है बट लाइट में लग रहा है ट्रांसपेरेंट टाइप। बट रेयॉन तो यही होता है, थोड़ा सा थिन रेयॉन है बट अकॉर्डिंग टू प्राइस इट्स गुड। भाई इतने प्राइस में और कितना लोगे, इतना ही मिलेगा ना, तो प्राइस के हिसाब से ठीक है। बाकी आप हाई रेंज में जाओगे तो इससे तो भी बेटर आपको मिल सकते हैं प्लाजोज। सो ये हो गई, थक गई यार मैं अभी। एक और इसके ऊपर हमारा क्या है, इसके ऊपर है हमारी जीन्स, तो जीन्स पर आप चलते हैं तो उसके तो फाइनली भाई ये जीन्स मिल गई है, ये रहा हमारा जीन्स। और एक्चुअली ये जीन्स नहीं जैगिंस है, जो इलास्टिक वाले आते हैं हाई वेस्ट वो वाला जैगिंस है ये, और पैटर्न भी आप देख सकते हो इस तरह से ओवल टाइप का शेप, वॉट एवर जो भी है ये दिख रहा होगा, आगे से थोड़ा लो है पीछे से थोड़ा हाई है बिकॉज हाई वेस्ट है इसलिए। ये ब्रांड ऑब्वियस किसी ने ध्यान दिया होगा तो पढ़ ही लिया होगा, रोडस्टर ब्रांड से अगेन। और इसका भी MRP 1299 है और मुझे ये पड़ा था 483 अगेन, इसको भी सेल में परचेस किया था इसलिए सस्ता पड़ गया, हम तो भाई सेल में ही परचेस करते हैं सस्ता मिलता है। तो वॉट एंकल लेंथ जैगिंस है, अकॉर्डिंग टू प्राइस कपड़ा देखे तो क्लॉथ काफ़ी अच्छा है इसका। बाकी जैसा अगर हाई रेंज में आप जीन्स लोगे तो उसका थोड़ा सा अच्छा मटेरियल, थिक मटेरियल होता है उस हिसाब से थोड़ा सा थिन है बट मीडियम रेंज में भी है इसलिए है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा यार। आगे सिर्फ पॉकेट का डिज़ाइन बना हुआ है, पीछे पॉकेट्स हैं दो दो और काफ़ी यूज़ कर चुकी इन पॉकेट्स को, इसको भी मैंने काफ़ी पहना है, धुल भी चुका है, कलर फेड वेड कुछ भी नहीं हुआ, सो वेरी रिलायबल। और इसका भी एक्सचेंज करना पड़ा था मुझे, इसका भी आप देख लेना वेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने 34 या पता नहीं कितना मंगाया था तो क्या लूज़ हो रहा था तो मैंने इसको एक्सचेंज करके मंगाया था, तो नेक्स्ट टाइम में मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है। अब कितना मंगाया था वो भूल गई हूँ यार, और ब्रांड टैग भी निकाल दिया है तो पता नहीं है, देख लूँ कहीं लिखा हो तो मिल जाए कहीं नहीं है सॉरी। एक बार वेस्ट का देख लेना, जो वेस्ट आपको आता है उससे एक वेस्ट लो अगर परचेस करोगे तो आई थिंक सही हो जाएगा। मुझे 32 आता है तो मैंने शायद 30 मंगाया होगा फिर सेकेंड टाइम में, तो फर्स्ट टाइम में 32 आई डोंट नो भूल गई मैं। अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो के सबसे, कहाँ चला गया, लेट मी सर्च फर्स्ट कहाँ चला गया मेरा, या शरारा गरारा। तो ये रहा हमारा शरारा गरारा, आहा क्या कलर है भाई। लाइट की वजह से थोड़ा ज़्यादा रेडिश रेडिश लग रहा है बट जैसा नॉर्मल रेड होता है वैसा रेड है, चमकीला वाला रेड नहीं है इस वीडियो में, तो चमकीला वाला रेड लग रहा है लाइट की वजह से। क्योंकि मैंने लाइट लगा रखी है एक्स्ट्रा लाइट, वीडियो वाली जो होती है ना वो ऐसी कोई नहीं है। फर्स्ट बात कर लेते हैं इसके कुर्ते की, तो ये ब्रांड योर स्टाइल से है, और अभी अभी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी बट सेम आई थिंक सेम पीस अब है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है क्योंकि इसकी जगह कोई पिंक टाइप का मैंने प्राइस देखने के लिए लगाया था, तो प्राइस भी चेंज है और पिंक टाइप का कोई ड्रेस इसका डाला हुआ है गरारा वाला। तो ये वाला योर स्टाइल ब्रांड से है, काफ़ी अच्छा है, कॉटन मिक्स मटेरियल है और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 670 रुपये, क्योंकि मेरे पास कुछ डिस्काउंट मेरे पास था तो उसमें 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा मुझे डिस्काउंट मिल गया था, तो इसका समथिंग प्राइस तो कुछ 1200-1400 करके है MRP, और अभी ये 700 कुछ का मिल रहा है, वो दूसरा मटेरियल है बट ये वाला नहीं है, बट ये वाला भी उसी उसी लिंक पे, ये वाला मे भी बाद में आ जाए या देख लेना और भी मिल जाएगा अमेज़ॉन पे आपको, अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया है इसको।
इस टाइप का कुछ इसका कुर्ता है, नी लेंथ कुर्ता है और इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे फ्रंट में दिया हुआ है, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये वाला ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बॉटम में भी इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये वाला लेस डिज़ाइन जो कि इसके गरारा में भी है, और यहाँ पे नेक पे इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है। तो पार्टी वेयर के लिए नॉर्मल इधर भी लेस मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स हैं, कॉटन मिक्स मटेरियल है। अब बात कर लेते हैं गरारा की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरारा के लिए बहुत सारे लोगों का होता है कि इसका क्लॉथ कैसा है, तो ये रोयन ब्रांड मटेरियल है, जैसा कि हमारे प्लाजो का था वैसा सेम टू सेम इसका क्लॉथ है। थोड़ा सा रेयॉन वैसे भी थोड़ा सा थिन ही आता है, बाकी रेयॉन में थिक मटेरियल भी आता है, बट मोस्टली रेयॉन में आपको थिन मटेरियल ही मिलता है कुर्ते वुर्ते में। तो थोड़ा सा थिन रेयॉन है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। बाकी डेली वेयर तो करना नहीं होता यार, पार्टी वेयर है तो इतना चल जाता है, मीडियम रेंज में भी है। फिर आपको 1000, 1200, 1500 के लिए ही जाओगे तो मे भी प्राइस इससे अच्छा मटेरियल आपको मिल जाए। तो इस तरह का कुछ हमारा प्लाजो में डिज़ाइन है, और गरारा है, प्लाजो नहीं है। वैसे तो गरारे में क्या होता है, यहाँ से ऊपर से पूरा नॉर्मल है हमारा, और फिर इधर से यहाँ से इसके यहाँ से जो नीज से होते हैं, नीज से इसकी ये ब्रॉड जो भी है वो गरारा पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो लेयर में गरारा पैटर्न, दो तीन लेयर में इस तरह का लेयर्स दिए हुए हैं गरारा के, देखो इस तरह का गरारा पैटर्न दिया हुआ है, तो दो लेयर दिए हुए हैं गरारा की, तो अच्छा खासा घेर आ जाता है। बाकी वो आपको ट्राई ऑन में समझ में आ जाएगा कि इसका लुक कैसा है। और बाकी ट्रेंड से एक कुर्ती भी मैंने मंगाई थी, ली है ट्रेंड से मैंने ली है, तो काफ़ी अच्छी है। तो आज मुझे ये कुर्ती काफ़ी अच्छी लगी, तो आज ही पर देखना हो तो देख लेना आवास्ता ब्रांड से, तो यहीं पड़ी हुई दिखा दी मैंने। हाँ, सो आई एम गेटिंग टायर्ड ना, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, है ना, आप लोगों को भी लग रहा होगा। सो ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ हॉल, फर्स्ट हॉल है मेरे चैनल पे ये मेरा। अगर अच्छा लगा हो तो बता देना, और भी हॉल मैं ट्राई कर सकती हूँ, या आपको वॉट एवर जो भी वीडियो आपको देखना हो वो मैं ट्राई कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो आपके लिए अगर कोई और हॉल, कोई ड्रेस व्रेस कुछ भी देखना हो तो बता देना यार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू विजिट है फर्स्ट वट अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो थोड़ा सा गलत हो गया आई थिंक। हाँ, इफ यू आर विजिटिंग ऑन माई चैनल टू द फर्स्ट टाइम, सो फॉर द फर्स्ट टाइम सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अभी ख़त्म करते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो गया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।